गड़बड़ में आया करोड़ों का घोटाला। संभल नगर पालिका प्रशासन में करोड़ों के घोटाले सामने आए हैं। आय और अवस्थापन निधि में 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले सामने आने के बाद बवाल मचा है। शिकायतकर्ता सभासद के पति की माने तो पालिका प्रशासन में 11 करोड़ रुपए का घोटाला है। शिकायतों पर जांच शुरू हुई जरूर है, लेकिन मुख्य आरोपी लिपिक अब भी अपने पद पर बरकरार है। कौन से पार्टी के मेंबर हैं आप? वार्ड नंबर 10 की। अच्छा, आज यह संपूर्ण समाधान दिवस में आज अपनी शिकायत दर्ज करने आई है, क्या शिकायत दर्ज की आपने? मैंने पहले संबल नगर पालिका में गबन हुआ करोड़ों रुपये का, उसी शिकायत दर्ज कराने की। कौन अधिकारी मिले यहाँ पर, किसको दिया आपने कंप्लेंट? एजेंट साहब को दिया आपने, क्या कहा उन्होंने? जांच गहराई से कराई जाएगी, उनके खिलाफ जांच दिखाई जाएगी। इस बार घोटालों का सेंटर संभल जिले की संभल नगर पालिका बनी है, जहां मार्च 2019 की पालिका की आय 2,54,00,000 कई महीनों गुम रही। इनकम का खुलासा तब सामने आया जब नए लेखा अधिकारी ने उक्त आय को पकड़ा। मामले को त्रुटि मानकर फाइल दफन करने की कोशिश हुई। सवाल ये है कि उक्त राशि ऑडिट के बाद भी इनकम में शो नहीं हुई, अब किस तरीके से उसे आय में शामिल किया जाएगा और इतनी बड़ी राशि 7 महीने तक कहाँ रही? दूसरा मामला 2 करोड़ से अधिक की अवस्थापना निधि का है, जिसका उपयोग पालिका निर्माण कार्य में कर सकती है, मगर अवस्थापना निधि को भी अन्य जगह खर्च कर दिया गया है। मेरा नाम मोहम्मद शौकीन, मैं सभासद पति हूँ। कौन से प्रतिनिधि? वार्ड नंबर 10, मेरी पत्नी है, मेरे साथ है वसीम जहाँ। अच्छा, संभल नगर पालिका से? जी, संभल नगर पालिका। अच्छा, आज आपने तहसील दिवस में आज ये कंप्लेंट दर्ज की है, क्या कम शिकायत है? जी, उसका कारण ये है कि नगर पालिका परिसर संभल में तकरीबन 115 करोड़ के आसपास की हेरा फेरी हुई है। वो हमारे पास साक्ष्य और प्रमाण हैं, लेकिन हमारा अनुरोध ये, हम आज जिला अधिकारी संपूर्ण समाधान दिवस में अपनी शिकायत दर्ज कराने आए थे, क्योंकि हमारी शिकायतों को बिना डाक पे चढ़ाई भेज दिया जाता है, उस पर लिपापोती हो जाती थी। इस बिना पे हम अपने समाधान दिवस में देने आए थे, लेकिन डीएम साहब ना होने पर इसके वो इस टाइम एसडीएम साहब, हमने उन्हें ये अपनी एप्लीकेशन दर्ज कराई है। इसमें साढ़े ग्यारह करोड़ की हेरा फेरी है, इसके हम साक्ष्य प्रमाण देंगे। किस तरह की हेरा फेरी है, क्या की गई है? 2,54,00,000 की राशि तो इन्होंने गबन की, मतलब हेरा फेरी की 7 महीने में। अगर वो ये चाहते हैं कि हम 2,54,00,000 रुपए इसमें हैं, तो वो पहले भी निकाल सकते थे, उससे पहले भी वोट हो चुके हैं, लेकिन 7 महीने बाद उस चीज़ को वो उखेड़ के लाए कि ये जो है 2,54,00,000 की हमसे त्रुटि हो गई, और जो उन्होंने पालिका ने उसमें लिख के भेजा है वो हमारे पास उसकी भी कॉपी है। पालिका ने लिख के भेजा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जाँच अपने लेवल से हो, ये नए तरीके से अकाउंट बनाया जाए शुरू से आखिर तक। 2017 से और अब से क्या मामला है? 2017 से लेके अब तक कोई मामला नहीं है। जो आपका बजट है वो हर बार अपने, हम नहीं कह रहे, हम आरोप भी नहीं लगा रहा है, हमारे पास साक्ष्य हैं, इनके पास इन्हीं के एजेंडे से हमने इन्हें दोषी बता रहे हैं। अब ये हमने मजिस्ट्रेट जाँच की मांग की है एसडीएम साहब से कि इसकी जाँच कमेटी गठित की जाए, और जो संबंधित बाबू हैं, अकाउंटेंट साहब हों, कोई और साहब हों, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो इससे संबंधित हैं उन्हें बाबू को हटाया जाए। और एक जब इतनी बड़ी गलती हो चुकी थी, ये चेयरमैन साहिबा भी मान चुकी हैं कि हाँ ये गलती हुई है, त्रुटि हुई है, हमारे यो साहब भी मान चुके हैं त्रुटि हुई है, तो उस बाबू को एक चार्ज और दे दिया गया है। एसबीएम का जो प्रधानमंत्री योजना से जुड़ा हुआ है उसका चार्ज और दे दिया गया है, जबकि ये उन्हें देना नहीं था। इस घोटाले में कौन कौन आरोपी हैं? इस घोटाले में साहब अकाउंटेंट साहब हैं हमारे, और चंचल बाबू हैं, और हमारे यो जो भी रहे हैं यो साहब हैं, और इसमें चेयरमैन साहिबा खुद हैं स्वयं। अब यहाँ आपने शिकायत दर्ज की है, तो अधिकारी ने क्या कहा है? अधिकारी ने कहा है कि हम इसकी गहराई से जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अच्छा, आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे इसको? हमें अगर न्याय नहीं मिलता तो हम सब कोर्ट पहुँचेंगे और यहाँ धरने पर बैठेंगे। घोटालों को पालिका के एक लिपिक समेत कई जिम्मेदार बताए गए हैं, लेकिन पूरे प्रकरण पर पर्दा डालने के खिलाफ वार्ड 10 की सदस्य वसीम जहां ने 2 नवंबर को पालिका की बैठक का बहिष्कार किया था। सदस्य वसीम जहां के अनुसार एक लिपिक और चेयरमैन समेत कई लोग घोटाले के जिम्मेदार हैं। सभासद का दावा कुल 11 करोड़ के घोटाले का। सर,
2017 संपूर्ण समाधान दिवस में संबल नगरपालिका के वार्ड 10 के सभासद ने शिकायत की है, उसमें आरोप लगाया कि संबल नगरपालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपए घोटाले का आरोप लगाया है, उसमें क्या कुछ मामला सामने आ रहा है? एक शिकायत लेके एक सभासद महोदय आए थे, उन्होंने शिकायत ये दिया है कि इसमें काफ़ी धनराशि का जो है हेर फेर हुआ है। कुछ उनका कहना है कि लिखित त्रुटि की गई है, लेकिन भारी लिखित त्रुटि की गई है। उसके अतिरिक्त भी उनका कहना है कि धनराशि का जो है हेर फेर किया गया है, और एक बाबू के ऊपर आरोप लगाया गया है नगर पालिका के, उसकी विस्तृत जो है जांच करने के लिए उनसे आख्या मांगने के लिए ईओ नगर पालिका संभल को भेज दिया गया है प्रार्थना पत्र, और उनकी जो विस्तृत आख्या प्राप्त हो जाएगी उसके उपरांत फिर कोई कार्रवाई के बारे में हम लोग निर्णय लेंगे। तो क्या इसमें कुछ कार्रवाई जो कर्मचारी हैं, कुछ कर्मचारी सामने आ रहे हैं कि कौन कौन कर्मचारी? अभी उन्होंने एक कर्मचारी के ऊपर आरोप लगाया है। नाम बताया था उन्होंने? नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो सहायक लेखाधिकारी सहायक लेखालिपिक है संभवतः नगर पालिका। तो कब तक इसमें जाँच रिपोर्ट हो जाएगी? 15 दिन के अंदर इस कार्रवाई हो जाती है समाधान दिवस के मामलों में, तो 15 दिन के भीतर ही आ जाएंगे। वैसे हम लोग एक सप्ताह के भीतर आख्या प्राप्त कर लेते हैं और लोग एक हफ्ते में कार्रवाई कर लेते हैं। अच्छा, मामला सही पाया जाता है तो क्या किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? सही पाए जाने के बाद जो भी दोषी कर्मी होगा उसके विरुद्ध जो भी सुसंगत धाराएँ हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।